हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसे सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग चैप्टर 4, नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर। सो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट वीडियो अवर टॉपिक वाज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। सो स्टूडेंट्स, इंक्लूडेड दिस टॉपिक कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। वी हैव रीड अबाउट प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स इन अवर लास्ट वीडियो एंड इंक्लूडेड दिस टॉपिक। वी हैव ऑल्सो रीड एंड सॉल्व एक्सरसाइज ए। रीड द वर्ड्स इन द टेबल केयरफुली, क्रॉस आउट द वर्ड्स that are not nouns, which is page number 17. And we have also read and solved exercise B. Read this passage, circle the proper nouns, underline the common nouns, and exercise C, put the words in the correct columns. And last exercise D, color the clouds with common nouns in green, color the clouds with proper noun in red, which is page number 18 in our English language book cornerstone in our last video. And students, today's our topic is proper noun and common noun. And included this topic today, we will read about proper noun and common noun, and we will read and solve exercise E. Replace each common noun with a proper noun. Use the word in the box. One has been done for you, which is page number 19. And after student, we will read and solve question number 4 and 5 of this chapter 4 in our Fair English Language Notebook in our today's class. Okay. So all students, please partial this class and listen to my words clearly, because today we will read and solve exercise E in our English Language Book cornerstone. And after student, we will read and solve some important question number 4 and 5. In our English language fan notebook in our today's class. Okay, so students, look at the page number 19. Let's see exercise E. The exercise E is replace each common noun with a proper noun. Okay, replace means होता है एक स्थान की जगह कोई एक स्थान में एक स्थान परिवर्तित करना. ओके, एक स्थान की जगह पे कोई दूसरा वर्ड राइट ऑन करना. ओके, ईच मीन्स प्रत्येक, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, विद मीन्स साथ में, आ मीन्स एक, प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा. रिप्लेस ईच कॉमन नाउन विद अ प्रॉपर नाउन, इट्स मीन कि हमें क्या करना है कि प्रॉपर नाउन की जगह हमें कॉमन नाउन राइट डाउन करना है. ओके, कॉमन नाउन का स्थान हमें प्रॉपर नाउन को देना है. ओके, इट्स मीन कि प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा के स्थान पे व्यक्तिवाचक संज्ञा रखिए. ओके, क्या करना है, जहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है, वहाँ पे हमें प्रॉपर नाउन राइट डाउन करना है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. यूज दी वर्ड्स इन दी बॉक्स. ओके, आपको क्या करना है, यूज मीन्स प्रयोग कीजिए वर्ड्स में शब्दों को. ओके, इन दी बॉक्स, बॉक्स में यूज दी वर्ड्स इन दी बॉक्स, इट्स मीन बॉक्स से हमें शब्दों का उपयोग करना है. ओके, हमें बॉक्स में जो वर्ड्स है की हेल्प लेके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, वन इज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए सॉल्व करके दिया हुआ है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी हेल्पिंग वर्ड्स विच आर इन योर बॉक्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर हेल्पिंग वर्ड्स आर हैडी, जसप्रीत, बुमराह, चंडीगढ़, गंगा एंड लास्ट प्रीति. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज द गर्ल वन दी रेस. ओके, द गर्ल मीन्स लड़की, वन मीन्स जीत गई, वन इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ विन, विन मीन्स जीतना, वन मीन्स जीत गई. द रेस, रेस मीन्स दौड़. द गर्ल वन दी रेस, इट्स मीन लड़की दौड़ जीत गई. ओके, द गर्ल इट्स अ कॉमन नाउन. एंड स्टूडेंट्स, अवर वर्क इज दैट इन दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज ई में हमारा वर्क ये है कि हमें कॉमन नाउन को रिप्लेस करना है प्रॉपर नाउन. ओके, हमें कॉमन नाउन के प्लेस पे प्रॉपर नाउन राइट डाउन करना है. ओके, जो कॉमन नाउन है उनकी जगह हम क्या रखना है, प्रॉपर नाउन राइट डाउन करना है. क्लियर? तो स्टूडेंट, दी गर्ल इट्स अ कॉमन नाउन एंड द करेक्ट प्रॉपर नाउन विच कैन बी राइट डाउन हियर इन दिस ब्लैंक फॉर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज प्रीति. ओके, प्रीति यहाँ पे राइट डाउन इसीलिए किया है, प्रीति, प्रीति इट्स अ प्रॉपर नाउन. ओके, इट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ गर्ल. ओके, तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या राइट डाउन किया, प्रीति. प्रीति वन द रेस, प्रीति इट्स अ गर्ल नेम, वन मीन्स जीत गई, दी रेस मीन्स दौड़. प्रीति वन दी रेस, इट्स मीन प्रीति दौड़ जीत गई. क्लियर? लेट्स सी सेकेंड नंबर सेंटेंस. योर सेकेंड नंबर सेंटेंस इज द क्रिकेटर टुक 5 विकेट्स. ओके, द क्रिकेटर इट्स मीन क्रिकेटर. ओके, टुक रेदर मीन ऑफ टुक मीन्स लिए. ओके, टुक इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक, टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिए. ओके, 5 मीन्स 5 विकेट्स, इट्स मीन विकेट. द क्रिकेटर टुक 5 विकेट्स, इट मीन क्रिकेटर ने 5 विकेट लिए. ओके, तो स्टूडेंट्स, द क्रिकेटर इट्स अ कॉमन नाउन. ओके, क्योंकि क्रिकेटर के इंक्लूडेड सारे क्रिकेटर आ जाएंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स, क्रिकेटर क्या एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है. एंड द करेक्ट प्रॉपर नाउन विच कैन बी राइट डाउन हियर इन दिस सेकंड नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट अवर सेकंड नंबर सेंटेंस इज जसप्रीत बुमराह. ओके, सो स्टूडेंट्स, चेक आउट दिस वर्ड जसप्रीत बुमराह फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट दिस वर्ड ऑन दिस ब्लैंक टू कंप्लीट अवर सेकंड नंबर सेंटेंस. ओके, एंड स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, क्रिकेटर की जगह पे क्या राइट डाउन कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह. एंड जसप्रीत बुमराह इट्स अवर प्रॉपर नाउन. क्लियर? सो स्टूडेंट, राइट डाउन करिए JASPREET, जसप्रीत बुमराह, BUMRAH, बुमराह. ओके, तो स्टूडेंट, देन अवर सेंटेंस बिकम जसप्रीत बुमराह टुक 5 विकेट्स. ओके, जसप्रीत बुमराह टुक मीन्स लिए, 5 मीन्स 5 विकेट्स, मीन विकेट.
बैट्समैन के जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए. क्लियर. लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. योर थर्ड नंबर सेंटेंस इज द रिवर रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ओके. द रिवर मींस नदी. रन्स मींस इधर द मीन ऑफ रन्स दैट गुजरती है. ओके. थ्रू मींस माध्यम से. द स्टेट ऑफ स्टेट मींस राज ऑफ मींस का वेस्ट बंगाल. वेस्ट मींस हियर द मीन ऑफ वेस्ट पश्चिम बंगाल. ओके. मींस बंगाल. द रिवर रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इट्स मीन कि नदी पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है. ओके. सो स्टूडेंट द रिवर इट्स अ कॉमन नाउन. ओके. ये आपका कॉमन नाउन है रिवर, क्योंकि रिवर के इंक्लूडेड सारी रिवर आ जाएंगी. गंगा, यमुना, सरस्वती, जमुना, सारी रिवर्स आ जाएंगी. ओके. तो द रिवर इट्स योर कॉमन नाउन. सो स्टूडेंट्स रिप्लेस करिए कॉमन नाउन की जगह प्रॉपर नाउन राइट डाउन करना है ना. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट प्रॉपर नाउन विच कैन बी राइट डाउन हेयर इन दिस थर्ड नंबर ब्लैंक टू कम्प्लीट अवर थर्ड नंबर सेंटेंस इज गंगा. जी एन जी ए गंगा. ओके. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया. ओके. सो स्टूडेंट्स टेक आउट दिस वर्ड गंगा फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट दिस वर्ड गंगा ऑन दिस थर्ड नंबर ब्लैंक टू कम्प्लीट अवर थर्ड नंबर सेंटेंस एंड द नंबर सेंटेंस बिकम गंगा रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल. ओके. तो गंगा हियर द मीन ऑफ दिस थर्ड नंबर सेंटेंस इज कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है. ओके. गंगा मीन्स गंगा. ओके. गंगा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है. ओके. सो स्टूडेंट गंगा इट्स अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि या गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नेम है ना, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है. क्लियर. लेट्स सी फोर नंबर क्वेश्चन. फोर नंबर क्वेश्चन इज दिस सिटी हैज़ मैनी ब्यूटीफुल पार्क. ओके. दिस सिटी मीन्स शहर हैज इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन सिंगुलर फॉर्म. ओके. मैनी मीन्स बहुत से, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, पार्क्स मीन्स बाग. ओके. दिस सिटी हैज़ मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स. इट्स मीन कि शहर में कई सुंदर बाग हैं. ओके. शहर में कई सुंदर बाग हैं. ओके. या बहुत सुंदर बाग हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स मैनी मीन्स कई, तो शहर में कई सुंदर बाग हैं. दिस सिटी इट्स अ कॉमन नाउन बिकॉज सिटी के इंक्लूडेड सारी सिटीज आ जाएंगी. कानपुर, लखनऊ. ओके. सारी सिटीज आ जाएंगी. तो सिटी आपका क्या है, कॉमन नाउन है. जितनी भी सिटी होंगी आगरा, कानपुर, लखनऊ. ओके. सारी इसके इंक्लूडेड आ जाएंगे. सो स्टूडेंट्स रिप्लेस करिए कॉमन नाउन की जगह प्रॉपर नाउन राइट डाउन करना है. ओके. सो स्टूडेंट द करेक्ट प्रॉपर नाउन विच कैन बी राइट डाउन इन दिस फोर नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट फोर नंबर सेंटेंस इज चंडीगढ़. ओके. सो स्टूडेंट टेक आउट दिस वर्ड चंडीगढ़ फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट डाउन दिस वर्ड चंडीगढ़ ऑन दिस फोर नंबर ब्लैंक एंड देन अवर सेंटेंस बिकम चंडीगढ़ हैज़ मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स. ओके. इट्स मीन चंडीगढ़ में कई सुंदर बाग हैं. ओके. सो स्टूडेंट चंडीगढ़ इट्स अ प्रॉपर नाउन. ओके. बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर सिटी नेम. क्लियर. लेट्स सी फाइव नंबर सेंटेंस. फाइव नंबर सेंटेंस इज दिस इज माई फेवरेट बुक. दिस मीन्स है, इट मीन्स है, माई मीन्स मेरी फेवरेट मीन्स पसंदीदा बुक मीन्स किताब. ओके. वी कैन सी दिस पिक्चर हियर. इट्स अ बुक. ये एक बुक है ना. सो स्टूडेंट्स दिस इज माई फेवरेट बुक. ये मेरी पसंदीदा किताब है. ओके. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बुक का कोई नेम नहीं है ना, तो बुक इट्स अ कॉमन नाउन. बुक आपका कॉमन नाउन, क्योंकि बुक इंक्लूडेड कोई भी बुक आ सकती. ओके. तो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर द करेक्ट प्रॉपर नाउन टू कम्प्लीट अवर फाइव नंबर सेंटेंस एंड द करेक्ट प्रॉपर नाउन विच कैन बी राइट डाउन हियर इन दिस फिफ्थ नंबर ब्लैंक टू कम्प्लीट अवर फिफ्थ नंबर सेंटेंस इज हैडी. ओके. सो स्टूडेंट्स टेक आउट दिस वर्ड हैडी फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड पुट दिस वर्ड हैडी ऑन दिस फाइव नंबर ब्लैंक एंड देन अवर सेंटेंस बिकम हैडी इज माई फेवरेट बुक. ओके. हैडी इज मीन्स है, माई मीन्स मेरी फेवरेट मीन्स पसंदीदा बुक मीन्स किताब. ओके. हैडी मेरी पसंदीदा किताब है. ओके. सो स्टूडेंट्स वी हैव कम्प्लीटेड दिस एक्सरसाइज ई एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज ई. यू हैव नो प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज ई. ओके. सो स्टूडेंट्स लेट्स सी रिकैप. नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउन्स. ओके. नाम वाले शब्दों को संज्ञा भी कहा जाता है. प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, पेट्स, थिंग्स एंड सर्टेन प्लेसेस. ओके. प्रॉपर नाउन्स इट्स मीन व्यक्तिवाचक संज्ञा. आर मीन्स स्पेशल नेम्स इज विशेष नाम. ऑफ मीन्स का, पीपल मीन्स लोगो, पेट्स मीन्स पालतू जानवर, थिंग्स मीन्स वस्तु एंड मीन्स और सर्टेन प्लेसेस. सर्टेन मीन्स निश्चित, प्लेसेस मीन्स स्थानों. ओके. इट्स मीन कि व्यक्तिवाचक संज्ञा लोगों, पालतू जानवरों, चीजों या वस्तुओं और निश्चित स्थानों के विशेष नाम होते हैं. ओके. तो हमारे जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लोगों, पालतू जानवरों, वस्तुओं और निश्चित स्थानों का विशेष नाम होते हैं. क्लियर. जो हमारे स्पेशल जितने भी नेम होते हैं, पीपल का, एनिमल का, सर्टेन प्लेसेस का, थिंग्स का, वो हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट. कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स. कॉमन नाउन्स मीन्स जातिवाचक संज्ञा. आर मीन्स है जनरल नेम्स इज सामान्य नाम. ओके. ऑफ मीन्स का, पीपल मीन्स लोगों, एनिमल्स मीन्स जानवरों, प्लेसेस मीन्स स्थानों एंड मीन्स और थिंग्स मीन्स वस्तुओं या चीज़ों. तो स्टूडेंट्स इट्स मीन कि जातिवाचक संज्ञा लोगों, जानवरों, स्थानों
और वस्तु या चीज़ों के सामान्य नाम होते हैं। तो हमारे जितने भी जनरल नेम होते हैं, पीपल के, एनिमल के, प्लेसेस के या थिंग्स के, ओके, लोगों के, जानवरों के, स्थानों के या चीज़ों के जितने भी जनरल नेम होते हैं, सामान्य नाम होते हैं, वो हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होती है। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन्स मीन्स जातिवाचक संज्ञा। ओके सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड अबाउट नेमिंग वर्ड्स, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ दिस चैप्टर 4 इन अवर फेयर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक। ओके सो लेट्स सी कोड। योर क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स। व्हाट मींस क्या आर मींस है, प्रॉपर नाउन्स मींस व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स, इट्स मीन व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। क्लियर। योर 4 नंबर आंसर इज प्रॉपर नाउन्स आर दी स्पेशल नेम्स गिवन टू पीपल, पेट्स, थिंग्स एंड सर्टेन प्लेसेस। दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, सानिया, हुसी कैट, इंग्लिश बुक, चेन्नई, इटीसी। ओके, प्रॉपर नाउन्स मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, आर मीन्स है, दी स्पेशल नेम्स मीन्स विशेष नाम, गिवन मीन्स दिए हुए, ओके, गिवन टू मीन्स दिए हुए, पीपल मीन्स लोगों, पेट्स मीन्स पालतू जानवरों, थिंग्स मीन्स वस्तु या चीज़ों, एंड मीन्स और, सर्टेन मीन्स निश्चित, प्लेसेस मीन्स स्थानों। ओके, तो इट्स मीन की प्रॉपर नाउन्स, इट्स मीन व्यक्तिवाचक संज्ञा, लोगों, पालतू जानवरों, वस्तुओं या चीज़ों और निश्चित स्थानों को दिए हुए स्पेशल नेम से दिए हुए विशेष नाम है। ओके, इट्स मीन की व्यक्तिवाचक संज्ञा लोगों, पालतू जानवरों, वस्तुओं या चीज़ों, निश्चित स्थानों को दिए हुए विशेष नाम है। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। दे मीन्स वे, ऑलवेज मीन्स सदैव, या हमेशा, बिगिन मीन्स शुरू होते हैं, विद मीन्स साथ में, कैपिटल लेटर मीन्स अपर केसेस, बड़े अक्षरों। ओके, दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। ओके, दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा एक बड़े अक्षर से शुरू होते हैं। ओके, तो जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से उनकी बिगनिंग होती है, बड़े अक्षरों से शुरुआत होते हैं। ओके, लेट्स एग्जाम्पल, सानिया, सानिया। ओके, तो सानिया इट्स अ गर्ल नेम, तो इट्स अ प्रॉपर नाउन, सो हियर वी यूज कैपिटल लेटर्स फॉर सानिया। पुसी कैट, पुसी कैट इट्स अ नेम ऑफ अ कैट, एक कैट का पर्टिकुलर नेम है। ओके, तो एक पैट का पर्टिकुलर नेम है, एक पालतू जानवर का विशेष नाम है पुसी कैट। ओके, सो इट्स आल्सो अ प्रॉपर नाउन। क्लियर। इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक इट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ बुक, एक बुक का विशेष नाम है कि इंग्लिश बुक। ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स आल्सो अ प्रॉपर नाउन। क्लियर। एंड स्टूडेंट्स, चेन्नई इट्स अ सर्टेन प्लेस नेम, एक निश्चित स्थान का नाम है चेन्नई। ओके, एक सिटी का नेम है, सो स्टूडेंट्स चेन्नई इट्स आल्सो अ प्रॉपर नाउन, ये भी आपका प्रॉपर नाउन। इटीसी में सारी, तो ऐसे बहुत से नेम होते हैं जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं। एंड स्टूडेंट, हियर वी यूज कैपिटल एस फॉर सानिया, कैपिटल पी फॉर पुसी, कैपिटल ई फॉर इंग्लिश, कैपिटल सी फॉर चेन्नई। ओके, बिकॉज ऑल दिस योर प्रॉपर नाउन्स, क्योंकि सारे आपके प्रॉपर नाउन्स हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, सानिया, पुसी कैट, इंग्लिश बुक, चेन्नई, आपके सारे प्रॉपर नाउन है। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। योर क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर कॉमन नाउन्स। व्हाट मीन्स क्या आर मीन्स है, कॉमन नाउन्स मीन्स जातिवाचक संज्ञा। व्हाट आर कॉमन नाउन्स, इट्स मीन जातिवाचक संज्ञा क्या है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ऑफ 5 नंबर आंसर इज अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड एनिमल और थिंग इन जनरल। ओके, अ कॉमन नाउन इट्स मीन एक जातिवाचक संज्ञा, नाउन्स होगा। ओके, अ कॉमन नाउन इट्स मीन एक जातिवाचक संज्ञा, कॉमन के बाद नाउन यहाँ पे राइट डाउन होगा, एन ओ यू एन। क्लियर। एक जातिवाचक संज्ञा इट मीन्स है, द नेम मीन्स नाम, ऑफ मीन्स का, एनी मीन्स कोई, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, एनिमल मीन्स जानवर, एंड मीन्स सॉरी और मीन्स अथवा, थिंग मीन्स वस्तु या चीज, इन मीन्स मीन जनरल मीन्स समान। ओके, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन जनरल। ओके, एक जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या चीज का सामान्य नाम है। ओके, तो स्टूडेंट्स इट्स मीन कि किसी पर्सन, ओके, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या चीज का सामान्य नाम, चीज मीन्स वस्तु, ओके, थिंग मीन्स चीज या वस्तु होता है, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का सामान्य नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। ओके, सो इट्स मीन जातिवाचक संज्ञा लोगों, जानवरों, स्थानों और चीज़ों के सामान्य नाम होते हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट, लेट्स एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन्स। ओके, योर एग्जाम्पल इज गर्ल। ओके, गर्ल मीन्स लड़की एंड इट्स अ कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन है। सेकेंड है स्कूल। स्कूल स्टूडेंट इट्स आल्सो अ कॉमन नाउन, क्योंकि स्कूल के इंक्लूडेड तो सारे स्कूल आ जाएंगे, है ना, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो स्कूल इट्स अ कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन है। एंड नेक्स्ट है माउस, एम ओ यू एस ई, माउस मीन्स चूहा। क्लियर। एंड नेक्स्ट है चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी, चेयर तो वुडन की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है। ओके, तो इसका कोई पर्टिकुलर इसके पास नहीं है नेम, तो स्टूडेंट्स चेयर इट्स अ कॉमन नाउन। क्लियर। सो स्टूडेंट, गर्ल, स्कूल, माउस, चेयर, ये आपके क्या है, कॉमन नाउन्स है, जातिवाचक संज्ञा, इटीसी मीन्स आदि, ऐसे बहुत से नेम होते हैं जो हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं। क्लियर।
सो स्टूडेंट वी हैव रीड प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. ओके प्रॉपर नाउन होते हैं कि प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स गिवन टू पीपल पेट्स थिंग्स एंड सर्टेन प्लेसेस. दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. ओके जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है लोगों पालतू जानवरों चीजों या वस्तुओं और निश्चित स्थानों के विशेष नाम होते हैं और ये हमेशा बड़े अक्षरों से शुरू होते हैं. अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इन जनरल. ओके एंड स्टूडेंट जो जातिवाचक संज्ञा होती है कॉमन नाउन्स होते हैं तो कॉमन नाउन्स इट मीन जातिवाचक संज्ञा लोगों जानवरों स्थानों और चीजों के सामान्य नाम होते हैं. क्लियर. सो स्टूडेंट्स वी हैव रीड क्वेश्चन नंबर 4 and 5 एंड आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन. ओके एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बोथ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 and 5. ओके सो स्टूडेंट्स टुडेज़ योर क्लास वर्क इज दैट कंप्लीट एक्सरसाइज ई विच इज पेज नंबर 19 ऑफ दिस चैप्टर 4 इन योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक कॉर्नरस्टोन एंड आफ्टर स्टूडेंट्स नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑफ दिस चैप्टर 4 इन योर फेयर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक इज टुडेज क्लास वर्क. ओके एंड सो होमवर्क इज दैट लर्न एक्सरसाइज ई ऑफ दिस चैप्टर 4 फ्रॉम योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक कॉर्नरस्टोन इट्स टुडेज होमवर्क. आपका क्लास वर्क है कि आपका एक्सरसाइज ई अपनी बुक पे कंप्लीट करनी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक कॉर्नरस्टोन जो बुक है उस पर कंप्लीट करनी है एंड आपको क्वेश्चन नंबर 4 and 5 अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक पे नोट डाउन करना है. इट्स अ टू डेज क्लास वर्क. ओके आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज ई इट्स अ रियली वेरी सिंपल एक्सरसाइज. ओके एंड आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर लर्निंग वर्क बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज ई. ओके तो आपको एक्सरसाइज ई अपनी बुक से लर्न करनी है. इट्स अ टू डेज होमवर्क. सो स्टूडेंट्स आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड योर क्लास वाइज होमवर्क. सो ऑल स्टूडेंट फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क नोट कंप्लीट एक्सरसाइज ई विच इज पेज नंबर 19 ऑफ दिस चैप्टर 4 इन योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक एंड आफ्टर स्टूडेंट्स नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑफ दिस चैप्टर 4 इन योर फेयर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक एंड सेंड मी योर वर्क. थैंक यू.